हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 11 का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें ज़्यादा हमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी होती। तो चलिए हम ये आज स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम फॉर्मेट एंड बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, ओके? और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक मेन क्वेश्चन भी करेंगे। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, विच शोज द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए फर्म आर इक्वल। तो इस वीडियो में हम ये समझते हैं पहले कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यानी इसमें कैलकुलेशन होती है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, विच शोज द एसेट एंड द लाइबिलिटीज ऑफ ए फर्म आर इक्वल। ओके, सो अगर हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखे, इस चैप्टर का नाम इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन है, अगर हम इसी को इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो ये होगा एसेट्स इज इक्वल टू टोटल क्लेम्स। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज हमारे होते हैं टोटल क्लेम्स। टोटल क्लेम्स के अंदर दो चीजें आती हैं, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। तो इस इक्वेशन में हमें ये ध्यान रखना है इस पूरे चैप्टर में कि जो एसेट होता है वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। जितने हमारे एसेट होंगे उतने ही हमारी लाइबिलिटीज एंड कैपिटल होगी। ओके, तो सबसे पहले इस वीडियो में हमारे लिए तीन मेन टर्म्स हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं। सबसे पहले हम वो टर्म्स देखते हैं। पहला टर्म है एसेट, देन लाइबिलिटीज, देन कैपिटल। ओके, तो फर्स्ट टर्म है हमारा एसेट। एसेट क्या है? एसेट आर द रिसोर्सेज दैट द बिजनेस ओन्स। एसेट क्या है? रिसोर्सेज है जो बिजनेस ओन करता है, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बिजनेस ही उस एसेट का मालिक है। दे रेफर टू प्रॉपर्टी और लीगल राइट ओन बाय द बिजनेस। तो एसेट क्या है? दे रेफर्स टू प्रॉपर्टी और लीगल राइट ओन बाय द बिजनेस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी ऐसी चीज जो हमारी प्रॉपर्टी है और हम उसे मनी की वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, वो सारे हमारे एसेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करना। जो भी चीज हमें पे करनी होती है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पे करने की, अदर देन ओनर्स फंड और कैपिटल। कैपिटल भी हमारी लाइबिलिटी होती है, बट कैपिटल और ओनर्स फंड मतलब कैपिटल ही होता है, उसे छोड़ के जितनी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें पे करना है वो हमारी लाइबिलिटीज के अंदर आएंगी इस चैप्टर में। ओके, देन कैपिटल। कैपिटल बेसिकली वही है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जो भी ओनर अमाउंट इन्वेस्ट करता है वो उस बिजनेस की कैपिटल होती है। कैपिटल को हम एक और डेफिनेशन भी कह सकते हैं, जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी थी हमारी, कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर हम यहां से कैपिटल निकालें तो कैपिटल कैसे निकालेंगे हम? कैपिटल इज इक्वल टू, अब ये एसेट, ये जो लाइबिलिटी यहां पे प्लस वाला है वो यहां ओके माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। अगर हम इसे वर्ड्स में देखें तो कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज। ओके, तो ये कैपिटल की एक और डेफिनेशन हो गई। कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज। ओके, अब कुछ इसमें बेसिक पॉइंट्स हैं हमारे, वो हम देख लेते हैं जो हम इस चैप्टर में देखना है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन। जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो अब इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन।
तो एसेट इक्वी सॉरी कैपिटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, इसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। और इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर एडजस्टेड फ्रॉम द कैपिटल। इस चैप्टर में हम देखेंगे जो भी हमारे प्रॉफिट या लॉस होंगे हम उसे कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे। अगर लॉस होता है तो कैपिटल में से माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में एड करेंगे। थर्ड, स्टॉक विल बी यूज फॉर सेटलमेंट ऑफ गुड। अब इस चैप्टर में जब भी हमारा गुड्स की बात आएगी, गुड्स परचेज की, गुड्स सेल की, तो हम हमेशा स्टॉक से सेटल करेंगे उसे। अगर हम गुड्स परचेज करें तो हमारे पास गुड्स आएगा तो स्टॉक बढ़ेगा, तो इसलिए हम उसे स्टॉक में प्लस करेंगे। सेम अगर हम सेल करते हैं तो गुड्स हमारे पास से जाएगा तो हम स्टॉक को डिक्रीज करेंगे। तो चलिए एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हैं हम। इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है, मैं भी आपको ये फॉर्मेट अभी रफ में बता देता हूँ कि हम कैसे बनाते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पूरा फॉर्मेट करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं एस नंबर, एस नंबर यानी सीरियल नंबर। देन हमारे आते हैं ट्रांजेक्शंस। ओके, देन हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ओके, एसआर नंबर, ट्रांजेक्शंस, देन एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एक लाइन हम यहां पे भी खींच लेते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मेट होता है। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसे करते कैसे हैं इस क्वेश्चनों को। इसमें हमें करना क्या होता है कि जो हमारा एसेट साइड होगा वही हमारा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड भी होगा, यानी दोनों का टोटल हमारा सेम आना चाहिए। एसेट अगर 10,000 से इंक्रीज हो रहा है तो हमारा कैपिटल भी 10,000 से ही इंक्रीज होना चाहिए, मतलब दोनों बैलेंस होने चाहिए, कोई कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम एसेट में से 500 माइनस कर रहे हैं तो कैपिटल में से भी 500 माइनस होना चाहिए या लाइबिलिटीज से माइनस होना चाहिए। अगर तो ये क्या होगा, बैलेंस होगा। अगर मान लीजिए 1000 रुपए इसमें ऐड हो रहा है एंड 1000 इसमें से माइनस हो रहा है और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो ये भी अभी सेम लिखा है, 1000 - 1000 इज इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, बैलेंस है इक्वेशन। ओके, चलिए हम इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, फॉर्मेट भी आप इसका समझ जाएंगे फिर उसके बाद कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो हम कुछ एंट्रीज लेते हैं, बेसिक सी एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है, सीरियल नंबर, देन ट्रांजेक्शन, देन एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, ये हमारी कुछ एंट्रीज हैं, हम इसे पुट करके ये देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहली हमारी एंट्री है, कमेंस बिजनेस विद रुपीज 20,000। 20,000 रुपीज के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया। अब हर चीज के इसमें दो इफेक्ट होते हैं, जैसे आपकी बुक का भी नाम क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो हमेशा जो भी जर्नल एंट्रीज को हम सॉल्व करते हैं, कहीं पुट करते हैं, तो हमेशा उसके दो इफेक्ट सोचने हैं, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। तो अब इसमें दो इफेक्ट सोचिए कि हमारे पास, यानी हम बिजनेस हैं, तो बिजनेस के पास क्या आया और क्या गया। बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपीज के साथ, तो बिजनेस के क्या पास क्या आया, 20,000 रुपीज आए, तो कैश आया रुपीज 20,000। मैंने पहले भी बताया था आपको कैश क्या होता है, एसेट होता है। तो यहां पे हम एसेट के नीचे लिखेंगे कैश। सबसे पहले एसआर नंबर वन, देन ट्रांजेक्शन। यहां पे हमें ट्रांजेक्शन लिखनी होती है, यानी अपनी एंट्री लिखनी होती है, उसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं एंट्री को, जैसे इसमें लिखा हुआ है कमेंस बिजनेस विद 20,000। हम ये एंट्री यहां पे ट्रांजेक्शन को स्मॉल में लिख देते हैं, स्टार्ट बिजनेस। ओके, स्टार्ट बिजनेस विद कैश,
तो बिजनेस स्टार्ट किया हमने कैश के साथ, तो हमारे पास क्या आया, 20,000 रुपीज कैश आया। देन कैश आया और हमारे पास क्या बन गए, ये बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए ये क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल में इसे हम ऐड कर देंगे, प्लस कैपिटल रुपीज 20,000। ओके, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई है। अब हम सेकेंड एंट्री देखते हैं अपनी, परचेज फर्नीचर 500 इन कैश। हमने फर्नीचर खरीदा 500 रुपीज का इन कैश। हमने फर्नीचर खरीदा तो इसे हम पुट करते हैं सन नंबर 2। यहां पे हम ट्रांजेक्शन में लिख लेते हैं परचेज फर्नीचर, 500 रुपीज का फर्नीचर खरीदा, तो हमारे पास से कैश गया 500 रुपीज का, तो कैश में से हम माइनस कर देंगे 500 रुपीज। देन हमारे पास आया क्या, फर्नीचर आया, फर्नीचर क्या है हमारे लिए, एसेट, तो हम उसे एसेट में ही लिखेंगे, प्लस फर्नीचर। फर्नीचर कितने रुपए का आया, 500 रुपीज का ही आया। ओके, तो ये हमारे दो इफेक्ट हुए। इसमें हम देखें तो हमारा इफेक्ट जो है वो लाइबिलिटीज या कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इसका, दोनों इफेक्ट सिर्फ एसेट के अंदर आ रहे हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास दो एंट्री बन जाती है, ओके, तब उसके बाद हम इसकी न्यू इक्वेशन निकालते हैं। न्यू इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये देखते हैं हम। यहाँ पे एक बार लाइन खींच लेते हैं, देन अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारी न्यू इक्वेशन, हमें यहां लिखना होता है न्यू इक्वेशन। अब इसे हम सॉल्व करें तो 20,000 में से 500 गए, तो रिमेनिंग 19,500 हमारे पास कैश बचा, प्लस फर्नीचर 500 रुपीज का। देन यहां इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारा, ये सेम ही है 20,000, तो ये 20,000। अब यहां देखना है हमें कि एसेट और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ये इक्वल है या नहीं है। अब हम यहां देखें तो 19,500 प्लस 500 हमारा टोटल 20,000, ये हमारा एसेट साइड हो गया, ये हमारी कैपिटल साइड भी 20,000, तो यानी ये अभी बैलेंस्ड है। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एंट्री 3। एंट्री 3 हमारी क्या है, परचेज्ड गुड्स इन कैश रुपीज 1,000। 1,000 रुपीज के हमने गुड्स खरीदे कैश में। तो अब इसके दो इफेक्ट सोचते हैं हम, बिजनेस के पास क्या आया और क्या गया। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, गुड्स आए 1,000 रुपीज के। तो जब भी मैं गुड्स की बात करूंगा इस चैप्टर में, तो गुड्स के लिए हमें एक वर्ड यूज करना है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स, तो स्टॉक हमारा एसेट होता है। ओके, तो प्लस स्टॉक, हमारे पास स्टॉक आया, स्टॉक कितने का आया, प्लस थर्ड वाली इक्वेशन को हम ट्रांजेक्शन को थोड़ा शॉर्ट करके लिख देते हैं, परचेज गुड्स, स्टॉक कितने का आया, 1,000 रुपीज का। ओके, सेम हमारे पास से कैश कितना गया, 1,000 रुपीज गया, तो यहां से माइनस 1,000 रुपीज। ओके, तो ये भी सेम वैसा ही था, यहां पे भी सिर्फ एसेट साइड में ही इसका इफेक्ट पड़ा है, लाइबिलिटीज या कैपिटल में इसका कोई इफेक्ट नहीं आया। ओके, चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, न्यू इक्वेशन। अभी हमने यहाँ पे लाइन क्यों ड्रॉ करी है, इस लाइन का मतलब है इसके अपर पार्ट से अब हमें कोई मतलब नहीं है, जो न्यू इक्वेशन आई है वो ही हमारी समराइज्ड इक्वेशन है। ओके, तो 19,500 में से अगर हम 1,000 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचता है, 18,500। ओके, प्लस फर्नीचर हमारा 500, प्लस स्टॉक हमारा 1,000। ओके, और दिस इज 20,000 सेम एज। चलिए हम यहां पे भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक बार। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट एंट्री है परचेज्ड गुड्स 2,000 फॉर क्रेडिट। पहले हमने 1,000 का कैश में खरीदा था, पर अब 2,000 का क्रेडिट में खरीदा है, यानी
उधार में खरीदा है, तो इसकी दो एंट्री क्या होगी? हमने गुड्स खरीदा तो सेम हमारे पास गुड्स आया यानी स्टॉक आया, तो हमें दोबारा से स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, फोर्थ एंट्री है हमारी परचेज्ड गुड्स, यहाँ पे भी परचेज गुड्स, सेम हमारे पास स्टॉक आया, कितने का स्टॉक आया 2000 का, तो हम स्टॉक में ऐड कर देंगे 2000 रुपीज। सेम अब हमारे पास से कैश तो नहीं गया क्योंकि हमने क्रेडिट में खरीदा था, अब हमने क्रेडिट में खरीदा था तो हमारी ये लायबिलिटी बन गई, हमारे क्रेडिटर बन गए कि हमें उन्हें पे करना होगा, तो अब यहाँ पे लायबिलिटी के नीचे हम लिख देंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी बन गई जिसके अंदर हम लिखेंगे 2000 रुपीज। इसे थोड़ा और सिंपल वे में करने के लिए यहाँ पे आप डॉटेड लाइन क्रिएट कर लीजिए, डॉटेड लाइन, जिससे आपको इससे आसानी रहेगी, ये पता रहेगा आपको कि एसेट जो है वो टोटल आना चाहिए लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल की, यानी दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए। ओके तो चलिए अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, अपनी न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले तो न्यू इक्वेशन हमारी क्या आई, न्यू इक्वेशन कैश हमारा एज इट इज 18500, देन फर्नीचर एज इट इज 18500, इस बार स्टॉक में ऐड हुआ है 2000, तो ये टोटल 3000। सेम यहां पे अब हमारी एक लायबिलिटी बन गई क्रेडिटर के नेम से, तो क्रेडिटर वाले 2000 रुपीज यहां लिखेंगे, देन कैपिटल वाले 20,000 रुपीज इधर लिखें। अब दोनों साइड का एक बार टोटल करके देखते हैं, 18,500 प्लस 500 1,900 प्लस 300 22,000। सेम 2,000 प्लस 20,000 22,000, तो ये भी हमारा सेम है। ओके इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है इक्वेशन, दोनों बैलेंस्ड इक्वेशन है। अभी हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2500 ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 4000। 2500 रुपए के गुड्स हमने 4000 रुपए में सेल कर दिए, वो भी क्रेडिट में सेल की है, कैश में हमने सेल नहीं किया है। ओके तो हमारे पास से क्या आया क्या गया ये हम देखते हैं। हमने 1500 के गुड्स सोल्ड करे, ओके तो हमारे पास से गुड्स कम हुआ, यानी गुड्स कम हुआ यानी स्टॉक कम हुआ। ओके तो यहां लिख देते हैं हम सेल ऑफ गुड्स, कितने का कम हुआ 2500 का कम हुआ, तो माइनस 2500, सेल हमारी हुई है 4000 रुपीज की। ओके और जो हमने 4000 रुपीज गुड्स हमारे 2500 रुपीज के गुड्स हैं, हमने सेल उन्हें करा है 4000 रुपीज में, तो हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ 1500 रुपीज का। तो ये जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है हम उसे किससे एडजस्ट करते हैं, हमेशा हम उसे एडजस्ट करते हैं कैपिटल से, तो हम कैपिटल में इसे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है इसलिए हम इसे ऐड करेंगे। ओके ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ओके ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब डेटर हमारे कितने के डेटर हो गए 4000 रुपीज के, क्योंकि अब हमें इनसे पैसा लेना है, तो डेटर हमारे क्या होते हैं एसेट होते हैं, तो अब हम यहाँ पे प्लस डेटर, यहां मेरा स्पेस नहीं बचा है, तो आप फॉर्मेट जब भी बनाइएगा इसे हॉरिजॉन्टल वे में बनाइएगा। ओके तो यहां पे मैं प्लस डेटर कर देता हूं, प्लस डेटर कितने के डेटर्स बढ़ गए हमारे 4000 रुपीज के, 4000 रुपीज। ओके चलिए अब इसकी न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं हम, न्यू इक्वेशन सेम इसे सॉल्व करें, 18500 एज इट इज प्लस 500 एज इट इज प्लस 3000 में से 2500 माइनस हुए 500 प्लस 4000 डेटर्स अमाउंट, हेयर 2000 प्लस 20,000 में 1500 ऐड करेंगे 21,500,
अब इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल क्या आ रहा है, हमेशा सेम आ रहा है, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। ओके, इस चैप्टर में हमें बस यही करना होता है, हमें इक्वेशन निकालनी होती है और दोनों को बैलेंस करना होता है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अपनी। पेड रुपीज 1000 फॉर रेंट एंड 5000 फॉर सैलरीज। 1000 रुपीज का हमने रेंट दिया एंड 5000 रुपीज की हमने सैलरी दी। सिक्स, पेड रेंट एंड सैलरीज, टोटल रुपीज कितने हो गए वो 1000 प्लस 5000, टोटल 6000। तो हमने 6000 की पेमेंट करी। ओके, तो पेमेंट करी, हमारे पास से क्या कम हुआ, कैश कम हुआ, तो कैश 6000 हम कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। देन ये हमारा एक्सपेंस है, हमारा लॉस है एक तरीके से, तो इसे हम कहां से एडजस्ट करेंगे, कैपिटल में से, माइनस 6000। ओके, अब इसकी न्यू इक्वेशन निकालते हैं हम, न्यू इक्वेशन, तो ये आएगी हमारी 12500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 4000, हेयर 2000 प्लस 15500। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम अपनी, ये भी क्या है, बैलेंस्ड है। आप इसका हमेशा जब भी न्यू इक्वेशन निकाले तो एक बार टोटल कर लीजिए, ये बैलेंस्ड आएगा। एक बार इसका टोटल देखते हैं, 12500 प्लस 500 13 प्लस 500 14500 प्लस 18500। ओके, तो ये हमारा क्या आ रहा है, टोटल सेम आ रहा है, ये यहाँ पे 1500 था, तो ये टोटल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम अपनी, लास्ट एंट्री है हमारी, राकेश विड्रॉ रुपीज 20000 फॉर पर्सनल यूज, रुपीज 2000 सॉरी, राकेश ने अपने बिजनेस से 2000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, पर्सनल यूज के लिए उसने कैश निकाल लिया, तो बिजनेस के पास से क्या कम हुआ, कैश। तो इसे हम समराइज वे में लिख देते हैं, ड्रॉइंग्स है होती है ये। ओके, तो कैश उसने कितना निकाला, 2000, वहां से लेस कर देंगे। अब ये क्या, ये हमारा क्या बना, ये बिजनेस के लिए क्या बना, लॉस बना बिजनेस के लिए। ओके, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, लॉस, तो लॉस हम कहां से एडजस्ट करते हैं, कैपिटल में से, तो यहां से कैपिटल में से हम 2000 माइनस कर देंगे। अब हमारी जो न्यू इक्वेशन आई है वो हमारी फाइनल इक्वेशन है इस क्वेश्चन की। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये आएगा 10500 प्लस 500 प्लस 1500 प्लस 4000, हेयर 2000 प्लस 13500। अब एक बार हम इसका टोटल कर लेते हैं, ये हमारा, इसे क्लोज ऐसे करते हैं हम, ये हमारा क्वेश्चन हुआ खत्म, हेयर दिस इज अ क्वेश्चन। अब इसे हम टोटल करें इसका, अगर हम, तो ये टोटल हमारा आ रहा है 10500 प्लस 500 कितना हो गया 11000। ओके, 11000 प्लस 1500 12500। ओके, प्लस 4000। ओके, यहाँ हम देखें तो जो हमारा पहले वाला था 3000 में से हमने 2500 माइनस किए थे, तो ये 500 ही आएगा, वो ठीक था। अब हम इसे टोटल करें तो ये आ रहा है 10500 प्लस 500 कितना हो गया 11000 प्लस 500 11500 प्लस 4000 15500 यानी 15500, सेम 13500 प्लस 200 15500। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे बड़ा क्वेश्चन देखेंगे एंड उसे पूरा सॉल्व करेंगे फॉर्मेट के साथ जैसे आज हमने किया। ओके, एक बार हम देख लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी इक्वेशन होती है जिसमें हमें ये विच शोज, मतलब जो हमें ये दिखाती है कि एसेट हमारे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होता है। ओके, तो हमारे इसमें कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते थे। बैलेंस शीट इक्वेशन वो आपको आगे जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि बैलेंस शीट होता क्या है।
और ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉस आर एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल। जैसा कि हमने अभी भी देखा कि जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस होंगे हम उसे कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, और स्टॉक विल बी यूज फॉर सेटलमेंट ऑफ गुड्स। और गुड्स की बात जब भी आएगी तो हम वर्ड करेंगे यूज स्टॉक का। स्टॉक मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स। ओके, और फिर हमने एक क्वेश्चन करा बेसिक, ये क्वेश्चन भी हमने देखा कि लास्ट में एसेट जो थे हमारे वो टोटल आ रहे थे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के, दोनों बराबर आ रहे थे, सेम आ रहे थे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मेन क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।